आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बरमूडा ट्रायंगल के बारे में। बरमूडा ट्रायंगल जो है 500 साल से एक रहस्य बना हुआ है, कोई इसको सुलझा नहीं पाया है कि एक्चुअली ऐसा क्या होता है कि मक्खी मच्छर से लेके विमान जहाज बड़े बड़े जहाज इसके रेडियस में आते ही गिरने लग जाते हैं, सब के सब डूब जाते हैं, कोई लोग बच के नहीं आ पाता जिंदा। कहा जाता है हर चीज़ को निकल जाता है। इसके बारे में थ्योरी है कि यहाँ भूतिया एरिया है। कहा जाता है यह एलियन का वास है। कुछ लोग कहते हैं अटलांटिस का शहर था, कुछ लोग कहते हैं यहाँ पर ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है। इस वीडियो में आपको सब बताऊंगा मैं आपको बरमूडा ट्रायंगल के बारे में। देखो बरमूडा ट्रायंगल है क्या। सबसे पहले बरमूडा ट्रायंगल हमारा अटलांटिक ओशन में है। अमेरिका का एक पास है क्यूबा, है ना, क्यूबा के पास 300,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। अच्छा, ये 300,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ऐसा नहीं फिक्स है, कोई बाउंड्री बनी है, ये एरिया बढ़ता भी रहता है घटता भी रहता है, थोड़ा बहुत बढ़ता है थोड़ा घटता रहता है। तो ये हमारा है बरमूडा ट्रायंगल। एक्चुअली में कोई ट्रायंगल नहीं है, ऐसा कोई नहीं कि बाइफर करके कहाँ कहाँ, देखो फ्लोरिडा बरमूडा और पुएर्टो रिको के जो एरिया है इसके बीच के एरिया को इसे आप कहते हैं बरमूडा ट्रायंगल। इसको डेविल ट्रायंगल भी कहा जाता है, शैतान का ट्रायंगल भैया। कम से कम बेटा 200 प्लेन्स और 1,000 लोगों की जान ले चुका आज तक ये। तो लोग डरते हैं बरमूडा ट्रायंगल के नाम से, मिस्ट्री बनी है 500 सालों से, खा चुका ये, है ना। कहाँ से शुरुआत हुई बरमूडा ट्रायंगल, देखो सबसे पहले 1498 में क्रिस्टोफर कोलंबस, आपने नाम सुना हो कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, उन्होंने अपनी बुक में बताया कि जब वो जा रहे थे बरमूडा ट्रायंगल के यहाँ से, तो वहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने देखा कि अचानक क्लाइमेट चेंज हो गया, बिजली गड़गड़ाने लग गई, शिप उनकी डिप बैलेंस हो गई, लाइटनिंग बहुत ज़्यादा होने लग गई, टेम्परेचर अलग सा बदलने लग गया, उनकी वेव्स आने लग गई, उनके साथ कुछ अजीब सा होने लगा। उन्होंने देखा कि एक लाइट आ रही है ऊपर से, शीश से एक लाइट आ रही है, ऐसा लग रहा है मीटियोर गिरा कोई, और वो बहुत घबरा गए। फिर उन्होंने देखा उनका मैग्नेटिक कंपास भी काम करना बंद कर दिया। पहले ज़माने में मैग्नेटिक कंपास क्या करता था, वो दिशा बताता। अगर आपने देखा हो भी आजकल मैग्नेटिक कंपास मिलते भी, हमेशा उसकी निडल जो है नॉर्थ की तरफ अलाइन रहती है। उस समय सोनार रडार ऐसा कुछ नहीं थे कि जो आपको दिशा बता पाए, एक ही सोर्स था मैग्नेटिक कंपास। तो उनका काम करना बंद कर दिया गया और एक फ्लेम फायर क्रैश की, पर इनके साथ बहुत कुछ नहीं हुआ कि ये मर गए या कुछ ऐसा हुआ, उन्होंने बताया। फिर इस घटना को और बल मिला बरमूडा ट्रायंगल थ्योरी को, जब मार्च 1980 में यूएसएस का एक जहाज था साइक्लोप, 542 फुट लंबा नेवी कार्गो शिप था। कार्गो शिप होता है जो सामान लेके जाती है, 300 आदमी उसमें थे और 10,000 टन का मैग्नीज था उसमें। वो सारे के सारे बरमूडा ट्रायंगल के रेंज में आके ही सब के सब अंदर चले गए, छड़ हुए। फिर क्या हुआ, इसका सेम 1941 में ऐसी दो जहाज और डूब गए। तो इससे क्या है, बरमूडा ट्रायंगल की थ्योरी को स्ट्रेंथ मिलता रहा कि वहाँ पे कुछ अप्रिय घटना होती है, वहाँ पे कोई दैवीय शक्ति है, वहाँ पे कोई भूत है, वहाँ पे एलियंस है, सारी बातों को स्ट्रेंथ मिलती थी। टाइम टू टाइम देखो इंसिडेंट होते गए हिस्ट्री में और स्ट्रेंथ मिलती। फिर दिसंबर 1945 का दिन आया, 5 नेवी शिप थे, बॉम्बर्स थे, एक्चुअली क्या कर रहे थे, यूएस के बॉम्बर थे, वहाँ से उड़ रहे थे, है ना। अब वहाँ से उड़ रहे थे तो वो क्या कर रहे थे, वहाँ पे बॉम्बार्डमेंट के लिए जा रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे। जब वहाँ से एरिया से ऊपर निकले, उसमें 14 आदमी थे, सारे के सारे जैसे उस एरिया में पहुँचे सबके सब धंसते चले गए बरमूडा ट्रायंगल के अंदर, सबको बरमूडा ट्रायंगल ने निकल लिया अपने अंदर। अब सारे के सारे को देखो ऐसा, इसके बाद इन्होंने बरमूडा ट्रायंगल देखने के लिए उसी दिन, जब वो रडार में नहीं डिटेक्ट हो पाए, जब उनके रेंज में नहीं आ पाए, उन्होंने कहा देखो सही कहाँ गए, एक रेस्क्यू टीम भेजी, रेस्क्यू टीम भी लापता हो गई। जो ढूंढने गया था वो लापता, जो ढूंढ रहे थे वो लापता, हर लोग रहा 13 आदमी वहाँ भी लापता हो गए, और भी बरमूडा ट्रायंगल की थ्योरी बढ़ती गई। जो नाम बरमूडा ट्रायंगल सबसे पहले इस्तेमाल हुआ वो 1960 में एक मैगजीन के आर्टिकल में बरमूडा ट्रायंगल और डेविल ट्रायंगल का नाम इंट्रोड्यूस हुआ। उसके बाद 1974 में बेस्ट सेलिंग बुक आई बरमूडा ट्रायंगल, और ये बरमूडा ट्रायंगल की थ्योरी आ गई और बरमूडा ट्रायंगल अचानक बहुत फेमस हो गया। अब टाइम बढ़ता गया और बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य में और गहरा होता गया कि रहस्य क्या है, एक्चुअली होता क्या है। 1964 में विंसेंट गार्डी ने सबसे पहले अपनी बुक में लिखा कि भाई बरमूडा ट्रायंगल के अंदर एक दुनिया और है जो हमारी दुनिया से बहुत अलग है। उन्होंने रिसर्च पेपर प्रोड्यूस करे, उन्होंने कहा ऐसा क्या होता है कि इंजन काम नहीं करता, कोई तैरना चाहे तो तैर नहीं पाता, रेडियो स्टेशन से संपर्क टूट जाता। उन्होंने सारी बातें कहा कि सारी बातें कहा कुछ तो अजीब है यार, तो कुछ भी हमें भी लग रहा है कुछ तो अजीब है। अब मेन दिक्कत ये है कि वहाँ पे एग्जैक्टली होता क्या है वो इंसान बता सकता है जब कोई वहाँ से बच के आए, एग्जैक्टली देखा हो, एनकाउंटर करा, वहाँ पे होता क्या एग्जैक्टली। 1970 में एक इंसान ऐसा था जो बच के आया, नहीं मैं नहीं था यार, वो हर जगह मैं नहीं हो सकता। एक पायलट थे, इनका नाम है ब्रूस जेरनोन, ये मैंने जर्मनी ने लिखा हुआ, जेरनोन लिखा है, जर्मनी मेरी राइटिंग के साथ आपको जर्मन दिख रहा होगा, इसका नाम था ब्रूस जेरनोन। उसने क्या करा,
अपने फादर और अपने पार्टनर के साथ वो चला गया घूमने बहामास से मियामी। उसे क्या पता उसकी मौत इंतजार कर रही थी, पर ये मौत को धोखा देके निकला गई। क्या करा इसने, जब बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से जा रहे थे, इसने देखा कि बादलों का झुंड दिखा। सबसे पहले से बादलों का झुंड दिखा बहुत बड़ा, और उसने देखा एक सर्कल सा बना हुआ है, कुछ नहीं दिख रहा। उसने देखा वो बादलों का झुंड उसकी तरफ आ रहा है, धीरे तेजी से उसकी स्पीड से आ रहा था। अचानक बादलों का झुंड उसकी तरफ आता है, एक उसे लगा एक गुफा बन गई है बादलों की, ठीक है, बड़ा रहस्य भाई, भयंकर मंजर रहा होगा, मैं तो पहले ही कूद जाता जहाज से। आगे एक लाइन बनी थी, इसने देखा, इसने घड़ी के कांटे जैसे वैसे एक लाइन बनी हुई है। अब ये इंसिडेंट जैसे हुआ कि 3 मिनट तक चला, ठीक है, उसने देखा नीले आसमान की जगह। जब वो 3 मिनट तक चला, बाहर आए तो देखा सफ़ेद धुआं दिख रहा है। उनका कंपास बहुत ज़्यादा फास्ट घूम लग गया, उन्होंने कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करी रेडियो स्टेशन से उनका कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया। फिर थोड़ी देर बाद कॉन्टैक्ट होता है, वो कन्फर्म करते रेडियो स्टेशन वाले, रेडियो स्टेशन वाले कहते हैं हम तुम्हें भाई डिटेक्ट नहीं कर पा रहे, हम तुम्हारी जगह कैसे बताएं। थोड़ी देर बाद डिटेक्ट हो जाते हैं। अब मेन इसमें देखो अलग चीज़ क्या हुई, 3 मिनट में इन्होंने देखा, 3 मिनट तक इंसिडेंट चला जा रहा, बादलों के अंदर से गुजर के चलते लाइटनिंग ऑन लग गई, ये सारी चीज़ें ऑन लग गई, कंपास हो गए। 3 मिनट में 150 किलोमीटर चले, इसका मतलब मेरे भाई कम से कम ना वो 3000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे थे। अब इतनी ना किसी नॉर्मल प्लेन की स्पीड नहीं होती, एक फाइटर प्लेन की स्पीड से भी ज़्यादा है। आपने कहा सर आपको कैसे पता कि फाइटर प्लेन की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है, यार मैं खुद वर्ल्ड वार टू में मैंने खुद एरोप्लेन उड़ाए थे अपने इंडिया के लिए, मैंने खुद इंडिया की तरफ से मैं ही एरोप्लेन उड़ा रहा था भाई वर्ल्ड वार टू में, इसलिए मुझे पता है कि एक फाइटर प्लेन की स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो अभी सोचो कुछ तो अलग हुआ ना। और जैसे ही देखा इन्होंने लैंड करा ट्रेन का प्लेन, तो उन्होंने देखा जो इनका फ्यूल था जितना लगना चाहिए था उसका आधा लगा है। तो ये सारे इवेंट्स हुए और पहला इंसान ये बना ब्रूस जेनोन जो कि बच के आया। देखो ये रहस्य सुलझ तो रहा नहीं था। अब मुझे क्या लगता है ना कि अगर ये रहस्य अगर कोई सुलझा सकते ना तो हमारी सोनी टीवी की सीआईडी की टीम, दया, अभिजीत और प्रद्युमन, वो 3 इंसान ऐसे हैं 20 साल में ना ऐसा कोई रहस्य नहीं हो सुलझा नहीं पाए, कोई केस ऐसा नहीं है जो उन्होंने पेंडिंग छोड़ा। अगर ये हमारे सीआईडी वालों को केस दे देना तो बरमूडा ट्रायंगल क्या, बरमूडा ट्रायंगल के अंदर जाके जिंदा वापस आएंगे तीनों के तीनों ये। अब बरमूडा ट्रायंगल को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी थ्योरीज है कि वहाँ पे थ्योरी क्या क्या हो रहा है, एक्चुअली कई थ्योरी थी, क्या लोगों ने क्या क्या बातें की। देखो सबसे पहले कही एलियन थ्योरी, एलियन थ्योरी के मत अकॉर्डिंग ये था कि एलियंस वहाँ पे रहते हैं, वहाँ से अंतरिक्ष से बरमूडा में आते हैं और वहाँ पे जाके ये जो जो भी विमान होते हैं, एरोप्लेन होते हैं, जहाज होते हैं, इनको पकड़ के साथ ले आते हैं और रिसर्च के लिए रख लेते हैं। तो ये एक थ्योरी थी। एलियन तुम्हें पता होगा यार, एलियंस पे तो मूवी बनी थी हमारी, क्या नाम है इसका, कोई मिल गया, अरे जिसमें जादू नाम का एलियन था जो धूप से चार्ज होता था, प्रीति जिंटा और ऋतिक रोशन की, इसमें गाना भी तो है ना, आज धरती से गगन का, फूलों से चमन का, बहारों से पवन का, हो रहा मिलन जादू जादू, ऐसा गाना था ना भाई, नहीं देखा तो देख लेना आज भाई। तो एलियन थ्योरी थी भाई, एलियन के हिसाब से ये थी, एलियंस आ सकते हैं, अच्छी लगता है यार भूत प्रेत की कहानी, आई लव दिस कहानियाँ। सेकेंड ही यहाँ पे अटलांटिस शहर था, अटलांटिस शहर को यहाँ पे क्रिस्टल सोर्स था जहाँ से ऊर्जा मिलती थी। अब वो ऊर्जा जो तरंगे पैदा हो रही हैं वो आज भी पैदा हो रही है, ऊर्जा का सोर्स वही है जिसकी वजह से प्लेन वगैरह ये जो है विमान वगैरह तरंगों में फंस जाते हैं और अंदर धंस जाते हैं। नेक्स्ट थ्योरी कहती है भाई बहुत विशाल का पिरामिड है, पिरामिड देखे ना तुमने ऐसे बने होते हैं यहाँ बरमूडा में, जिनसे टकरा के प्लेन टकराते हैं, ये जो हमारे ये जहाज टकराते हैं और ये ख़त्म हो जाते हैं या फिर टूट जाते हैं, इसलिए इनका कुछ मलबा भी नहीं मिलता। चौथी थ्योरी अफ्रीकी गुलामों की आत्मा, आत्माओं की कहानी बहुत अच्छी लगती है यार। कहते हैं कैप्टन था, उसने बहुत तड़पाया था गुलामों को, तो उसके गुलामों को मार मार के फेंक देता समुंदर में, उनकी आत्मा ये जो सब कुछ कर रही है, ये थ्योरी से लग रही है। नेक्स्ट कहते हैं एक थ्योरी और भी है लोगों की, अमेरिका का अटलांटिक सी टेस्ट रिवॉल्यूशन सेंटर है बरमूडा में पानी के अंदर। तो अमेरिका नहीं चाहता कि कोई भी लोग उसके बारे में पता लगे, इसलिए कोई भी प्लेन वगैरह आते हैं, कोई भी वो आते हैं हथियार वगैरह, तो ये वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देता है, क्योंकि अमेरिका यहीं से सोनार सब मेरे हथियार बनाता है, ये भी एक थ्योरी चली है। तो ये 5 तरह की और भी कई छोटी छोटी थ्योरी आई और सब की सब ऐसी है, पर रियलिटी देखो क्या है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है, आत्मा वात्मा भूत प्रेत सब कुछ, अटलांटिस एलियन सब बर्बाद है। देखो रियल क्या रियल है कि बरमूडा के नीचे बहुत सारे वॉल्केनो हैं,
वॉल्केन होते मेरे भाई ज्वालामुखी, ज्वालामुखी जब फटता है ना तो वहाँ से बेटा बहुत सारी पॉइजनस गैस निकलती है, उन्हीं में से एक गैस होती है मीथेन। मीथेन का याद है ना, का साइंस के स्टूडेंट हो, CH4 फॉर्मूला होता भाई। अब जब ये पानी से मिलता है, पानी यानी H2O से बचे, तो ये पानी की डेंसिटी कम कर देता है। अगर एक बात सुनो, अगर पानी की डेंसिटी कम हो जाएगी तो जो भी जहाज़ आपने बनाए होते ना, पानी के जहाज जो आपने बना रखे होते मेरे भाई, वो इस तरह से बनाते हैं पानी की डेंसिटी को देख के ताकि डूबे ना। अगर पानी की डेंसिटी कम हो जाएगी तो पानी तो ऊपर आएगा और इनकी डेंसिटी बढ़ जाएगी जहाज़ों की और डूब जाएंगे। तो कह रहे ये होता है, ये है किसके लिए, जो पानी के जहाज डूबते। दूसरी बात कही गई कि बरमूडा के आसपास बहुत छोटे छोटे पहाड़ है भाई। अब जब पहाड़ से टकराती है, मान लो ये पहाड़ है, मान लो छोटे छोटे पहाड़ है, अब जब इनसे हवा टकराती है तो एक बवंडर बेटा सा इस तरह का प्रोड्यूस कर लेती है, बवंडर सा, ठीक है। अब बवंडर में क्या होता है, जब बवंडर है और इसके ऊपर पानी भी बच्चे, पानी भी तो फैलेगा ऐसे, पानी की बड़ी बड़ी वेव बेटा ऐसे प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से ये डूब जाते हैं। तीसरा काम क्या भाई कि समुद्र के अंदर की जो पहाड़ी है, देखो समुद्र के अंदर भी पहाड़ी होती हैं, वो पहाड़ियाँ जो समुद्र के बाहर नहीं निकलती, ऐसे दिखेंगे नहीं आपको पहाड़ी है, समुद्र के अंदर होती है, उन्हें आप कहते हैं रिज, वो बहुत है। अब इटली और टर्की में बहुत ज़्यादा है, अब रिज तो दिखती नहीं है भाई। अब आप जाते हैं, आपको क्या पता नीचे समुद्र के अंदर पहाड़ है, आपका गया जहाज लेके वो पलट जाता है। इसलिए खैर अब तो रडार और सोनार आ गए, बहुत पहले ही बता देते हैं कि यार अंदर तक क्या है भाई। रडार होता है रेडियो डिटेक्शन रेंजिंग, सोनार होता है साउंड डिटेक्शन। तो इनसे पहले डिटेक्ट कर लेते हैं यार वहाँ पे रिज है, वहाँ पे ये है, वहाँ पे चट्टान है, उस तरफ मत जाना, रास्ता बता देते हैं, तभी तो कॉन्टेक्ट में रहते हैं रेडियो स्टेशन। और जो लास्ट पॉइंट है वो है हेक्सागनल क्लाउड, जो आपके भाई एरोप्लेन वगैरह क्यों गिरते। देखो कहते हैं कि जहाँ पे बरमूडा वहाँ पे बहुत सारे हेक्सागनल क्लाउड है। हेक्सागन क्या होता है भाई, कोई भी 6-sided फिगर। अब एक एक का साइज कितना बड़ा, कम से कम 50 किलोमीटर बराबर बड़े बड़े हैं हेक्सागनल क्लाउड, 50 किलोमीटर लंबे लंबे। अब इनके अंदर भाई बहुत तेज हवा चलती है, लगभग 250 किलोमीटर के ऊपर रफ्तार से। कितनी, अब मान लो ये हवा इस तरफ चल रही है, आपका प्लेन, मान लो ये आपका प्लेन है, प्लेन कैसा बनता है, मान लो ये प्लेन है भाई, है मान लो ये आपका प्लेन है। अब हवाएं भी इस तरफ चल रही है, आपका प्लेन भी इस तरफ चल रहा है, तो ये आपको सपोर्ट करेगा ना, और आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। याद है ना उसमें क्या हुआ था ब्रूस जेनर वाले में, जब उसके प्लेन की भाई 3 मिनट में 150 किलोमीटर कवर किए थे, इसी वजह से किया था। अब अगर ये आपके, अगर आप इस तरफ जा रहे हो और हवाएं इस तरफ चल रही हैं, तो ये आपके प्लेन को डिस्ट्रॉय करेगा। तो इस वीडियो में मेरे भाई बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य, हमने कुछ पर्दा उठाने की कोशिश करी। इस वीडियो में इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आएंगे किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।